हेलो बच्चों, वेल आज हम एक और साउंड स्टोरी सुनने वाले हैं और ये स्टोरी एक्चुअली ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मेरे बचपन की कहानी है। पता है बचपन में मैं क्या करता था कि जब भी शाम में मुझे कुछ मीठा खाने का मन करता था तो मैं जाता था और घर में जो चीनी का डब्बा रखा होता था ना उससे कुछ चीनी लेता था, फिर चूड़ा के डब्बे से कुछ चूड़ा लेता था और उसे अपनी पॉकेट में रख के और चुपचाप चबाता हुआ मैं निकलता था बाहर। एक बार ऐसे ही मैंने इधर उधर देखते हुए चीनी का डब्बा खोला और चीनी के डब्बे में मैंने अपना हाथ डाला। मैंने इधर चीनी को पकड़ा लेकिन तभी मुझे फील हुआ दैट समथिंग वाज क्रॉलिंग ओवर माय रिस्ट। मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज जो है वो मेरे रिस्ट के ऊपर जो है रेंगते हुए पड़ रही है। मैंने उसकी तरफ देखा और पता है क्या देखा? एंट्स। यस, मेरे हाथ पे एंट्स चढ़ रही थी। अब जैसे ही मैंने एंट्स को देखा मैं जोर से चिल्लाया ए ए। इतने में मेरी मम्मी का ध्यान गया और वो दौड़ते हुए आई। उन्होंने जो है मेरे हाथ पे उस एंट को देखा और मेरे हाथों में क्या देखा? चीनी। और फिर मम्मी ने मुझे डांटते हुए कहा कि चीनी नहीं खानी चाहिए ज्यादा क्योंकि इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। एनीवेज, इस स्टोरी में कौन सा साउंड है आपने अभी तक गेस कर लिया? यस, वी आर गोइंग टू राइट साउंड ओके। कैसे लिखना है? एक सर्कल बनाइए और एक पूंछ जोड़ दीजिए। ऐसे ही आप भी लिखते जाइए और बोलते जाइए। क्या करना है? सर्कल बनाना है और एक पूंछ निकालना है, राइट? फिर से चलिए इसको मिटाते हैं और फिर से लिखते हैं। वेरी गुड। अब हम लोग जो है एक बार ए साउंड यानी कि एंट वाला सॉन्ग सुनने वाले हैं। चलिए सॉन्ग सुन लेते हैं फिर हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे और इसकी ओके। Ant on. से शुरू होने वाले कई वर्ड्स को देखेंगे और कई चीजों को देखेंगे जैसे एंट, arm, apple, x, kulhari, alligator, astronaut, avocado, anchor, arrow. इस बार आप फिर से मेरे साथ पढ़िएगा ओके। एंट, आर्म, एक्स, एस्ट्रोनॉट, एलिगेटर, एरो, एंकर, एवोकाडो। ओके, तो आप जो है ए से शुरू होने वाले कई चीजों को भी देख लिया ना। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे तो एक बार हम लोग फिर से ए वाला सॉन्ग सुनेंगे और फिर उसके गाने की प्रैक्टिस हम लोग फिर एक साथ करेंगे ओके। लेट्स गो। चलिए एक बार आप फिर से मेरे साथ गाइए तो ए ए एंड्स ऑन माय आर्म, ए
ants on my arm, ants on my arm, they are causing me alarm. Fantastic. अब जो है आप अपने पूरे नोटबुक के पेज में क्या लिखिएगा? Okay, चलिए फिर एक्साइटिंग लेसन के साथ बाय.